हेलो गाइज, वेलकम बैक टू फुटबॉल समाचार यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एससी ईस्ट बंगाल के पॉसिबल लाइनअप्स एंड स्क्वाड के बारे में फॉर द अपकमिंग आईएसएल सीजन। सो गाइज, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो फॉलोइंग ए फॉरगेटफुल कैंपेन इन द डेब्यू इंडियन सुपर लीग सीजन, एससी ईस्ट बंगाल फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर द अपकमिंग सीजन। सो एज यू नो, एससी ईस्ट बंगाल ने फिनिश किया था इन द 9th पोजिशन इन द डेब्यू कैंपेन इन द आईएसएल। उन्होंने सिर्फ 3 मैचेस जीता था आउट ऑफ 20 गेम्स। ओवरऑल उन्होंने 33 गोल्स कॉन्सेड किया था एंड स्कोर किया था ओनली 22 टाइम्स। उन्होंने ऑल्सो फेस किया था 9 डिफीट्स इंक्लूडिंग बोथ द लॉसेस इन कोलकाता डर्बीज। सो इस सीजन एससी ईस्ट बंगाल में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ कोचिंग स्टाफ एंड प्लेयर्स। सो एससी ईस्ट बंगाल चाहेंगे इस साल एक बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए अंडर ए न्यू कोच एंड ए रिन्यूड स्क्वाड। सो बात करते हैं उनके कोचिंग स्टाफ के बारे में। सो आफ्टर द एग्जिट ऑफ रॉबी फाउलर, एससी ईस्ट बंगाल ने अपॉइंट किया है मैनोलो डियास को एज देयर न्यू हेड कोच फॉर द अपकमिंग आईएसएल 2021-22 सीजन। मैनोलो डियास है एक स्पेनिश फुटबॉल मैनेजर एंड उन्होंने रियल मैड्रिड यूथ टीम को भी मैनेज कर चुके हैं। असिस्टेंट कोच होंगे एंजल पुएब्ला गार्सिया एंड इंडियन असिस्टेंट कोच होंगे रेनिडी सिंह। सो अब बात करते हैं एससी ईस्ट बंगाल के स्क्वाड के बारे में फॉर द अपकमिंग सीजन। गोलकीपर्स होंगे अरिंदम भट्टाचार्य, शंकर रॉय एंड शुभम सेन। डिफेंडर्स होंगे डेनियल गोम्स, जॉयनल लोडेंको, राजू गायकवाड, हीरा मंडल, अंकित मुखर्जी, आदिल खान, गौतम सिंह, टॉमिस्लेव मार्सेला, फ्रेंजो पर्स, सेरिनियो फर्नांडेज एंड आकाशदीप सिंह। मिडफील्डर्स होंगे जैकी चान सिंह, सौरभ दास, एंगाउसाना वाहेंगबाम, अमरजीत सिंह कियाम, मोहम्मद रफीक, लालरिन लियाना नामते, विकास जायरू, आमिर डर्बिसेविक, डेरेन सिडोइल, रोमियो फर्नांडेज, सोंगपू सिंगसित एंड लोकेन मितेई। फॉरवर्ड्स होंगे बलवंत सिंह, थोंकोसियम हाउकिप, नोरेम महेश, सिद्धांत शिरोदकर, डेनियल चीमा, एंटोनियो पेरोसेविक एंड शुभो घोष। सो अब बात करते हैं उनके पॉसिबल टेक्टिकल फॉर्मेशंस के बारे में फॉर द आईएसएल 2021-22 सीजन। सो एससी ईस्ट बंगाल प्राइमरीली 4-4-2 फॉर्मेशन में स्टार्ट कर सकते हैं इन द अपकमिंग सीजन। जैसा कि आप देख सकते हो, गोलकीपर होंगे अरिंदम भट्टाचार्य, सेंटर बैक्स फ्रेंजो पार्स एंड आदिल खान, राइट बैक अंकित मुखर्जी, लेफ्ट बैक हीरा मंडल, मिडफील्डर्स सौरभ दास, अमरजीत सिंह, एंगोसाना एंड आमिर डर्बिसेविक एंड फॉरवर्ड्स डेनियल चीमा एंड एंटोनियो पेरोसेविच। एंड एससी ईस्ट बंगाल ये ऑल्टरनेट 4-3-3 फॉर्मेशन भी ट्राई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, गोलकीपर वंस अगेन होंगे अरिंदम भट्टाचार्य, सेंटर बैक अगेन होंगे फ्रेंजो पार्स एंड आदिल खान, राइट बैक भी अगेन होंगे अंकित मुखर्जी, लेफ्ट बैक होंगे हीरा मंडल, मिडफील्डर्स अमरजीत सिंह कियाम, सौरभ दास एंड आमिर डर्बिसेविच, राइट विंगर जैकी चान सिंह, लेफ्ट विंगर एंटोनियो पेरोसेविच एंड स्ट्राइकर डेनियल चीमा। सो एससी ईस्ट बंगाल ये ऑल्टरनेट फॉर्मेशन भी ट्राई कर सकते हैं। सो एज आई सी विथ अ स्ट्रॉन्ग फॉरेन कॉन्टिंजेंट एंड द साइनिंग्स ऑफ जैकी चान सिंह, अमरजीत सिंह कियाम एंड आदिल खान एंड ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ अरिंदम भट्टाचार्य, एससी ईस्ट बंगाल होप करेंगे एक इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन द आईएसएल 2021-22 कैंपेन। सो लेट्स सी वो कैसे परफॉर्म करते हैं इन द अपकमिंग सीजन। आप क्या सोचते हैं एससी ईस्ट बंगाल कौन से पोजीशन में फिनिश कर सकते हैं इन द अपकमिंग सीजन, कमेंट करके जरूर बताइए। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए।